आप जो क्राइम के बारे में बहुत डाल रहे हैं, आप उतना ही डालिए जिसको अपराध मुक्त भारत से आप कोरिलेट कर पाएंगे। देखो ये दुष्टता हो रही है, यदि अपराध मुक्त भारत से जुड़ोगे तो ये दुष्टता नहीं होगी। जागो, जुड़ो। जनरल नॉलेज के लिए अपने यहाँ पे कोई फीड नहीं डालना चाहिए। मेरे ख्याल से उससे क्या है कि हम राइट डायरेक्शन में चलेंगे। दूसरी बात, जिन लोगों को आपने जोड़ा है, अब उनसे फोन लगा के पूछना चालू करो कि आपने अपनी पत्नी को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, अपने बच्चों को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। जो 5 विधाएं हैं वो उनको रेगुलर मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर, मुझे ये पूछना था। तो आप उसे अपलोड क्यों नहीं कर रहे, आप अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो? सेंड भी नहीं हो रही है सर, मैं उसमें उसमें एक काम करिए, उसको पहले यूट्यूब चैनल पे अपलोड करिए, ठीक है ना? और वो जो है ना, इस पर लिंक का जो है ना अपलोड हो जाए, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आएगा ही नहीं वो, ठीक है ना? जो आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे तो इसको जो जैसे आप बना के देखते हैं, कौन से ऐप से आप बनाते हैं? मैं तो सीधे फोन पर रिकॉर्ड करता हूँ, और जो बाकी जो वो बनते हैं, जो दिख रहे हैं, वो हमारा एक टीम है, टेक्निकल टीम, वो करती रहती है, इसलिए कई बार उसमें डिले होता है, लेकिन वीडियो तो मैं सीधे ही अपलोड कर देता हूँ। 2019 से हमने क्राइम फ्री भारत की चैनल, जब मैं डीजी था, पुलिस रिफॉर्म तक चालू की थी मैंने। मेरा एक कहना था जी, काम था, मैं आपसे थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए था। हाँ हाँ बोलिए। हम लोग कई दिनों से आज हम देख रहे हैं, ठीक है, सरकार के पास साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ भी है वो कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है। नहीं, वो क्यों करेगी यार, वो क्यों करेगी यार, साइबर क्रिमिनल ये सब जो है ना, क्राइम बढ़ेंगे तभी तो इनका जो ना खौफ बढ़ेगा। ये तो आपको खौफ में रखना चाहते हैं ना। यदि इनका, देखो इस तरह मेरी बात, यदि इन बिना जो है ना गए इनके पास, बिना हाथ जोड़े यदि आपके अपराध कायम होंगे, यदि अपराधियों को सजा मिलने लग जाएंगी, तो इनके हाथ जोड़ने कौन जाएगा, इनके दरबार में कौन जाएगा? तो सिस्टम अच्छे ढंग से काम नहीं करना चाहिए, सिस्टम इनके आदेश पे काम करेगा तभी तो इनकी औकात रहेगी, तभी तो इनका दरबार चलेगा। तो सर मैं एक चीज सोचा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं इससे काम कर रहा था पहले से जी, लेकिन कुछ लोगों से मेरी लास्ट 2-3 दिन से मीटिंग चल रही है जी। मेरे पास कुछ राइटर्स हैं सर, राइटर्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, तो ये लोगों के साथ मेरी ये डील चल रही थी कि हम अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। नहीं, हम कोई अवेयरनेस नहीं करेंगे, हमारा वो है, कोई अवेयरनेस नहीं करेंगे, हम जो है ऊर्जाकृत और संकल्प वाला काम करेंगे। मतलब हमारा 1-to-1 रहेगा, आप लिख भी रहे हो तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि लिखने में कोई बुराई है, फेसबुक में सोशल मीडिया में चले जाए, लेकिन हमारी असली स्ट्रेंथ और असली रणनीति है, जैसे गुरु जो है ना कान में गुरु मंत्र देता है ना, हम जो ये वार्ता करते हैं यही ऊर्जा कृत करना है। तो 1-to-1 टॉक होना चाहिए, 1-to-1 होना चाहिए। और देखो वो बहुत आसान है, देखो मैं अभी आजकल वो बताता हूँ, पहले मैं फॉरवर्ड लिंक बताता था हमेशा कि आज मैंने शुरू किया मिस्टर एक्सरसाइज द 1%, तो आज शाम तक हम 10 हो गए, दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1,000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे, पांचवें दिन 1,00,000 हो जाएंगे, छठवें दिन 10,00,000 हो जाएंगे, सातवें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे, आठवें दिन जो है ना 10 करोड़ हो जाएंगे, नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट? और लगता है अरे 100 करोड़ तो बहुत होते, कहाँ से होंगे? तो अब मैं उल्टी बात करना चालू किया हूँ कि जो नौवें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे, जुड़ रहे हैं किसी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे, उनको समय ही नहीं है, वो तो नौवें दिन जुड़ रहे हैं, राइट? 9 करोड़ लोग आठवें दिन जुड़ेंगे, जो मात्र 10 लोगों को जोड़ेंगे, तो 90 करोड़ लोग 99 करोड़ लोगों के द्वारा जोड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ेंगे, वो 0.9 व्यक्ति को जोड़ेंगे। यदि इसका मतलब है कि 99 करोड़ केवल अपनी पत्नी को या यदि महिला है तो पति को जोड़ ले, तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कितना आसान है, बिल्कुल। खुद जोड़ना और अपनी पत्नी को जोड़ना कठिन है क्या, या पति यदि महिला है तो पत्नी को जो है पति को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं, ठीक है ना? फिर जो है मात्र 90 लाख लोग जो है ना 20 लोगों को जोड़ रहे हैं, मात्र 90 लाख, 9 लाख लोग मात्र जो है ना 30 लोगों को जोड़ रहे हैं, 90,000 लोग मात्र जो है ना 40 लोगों को जोड़ रहे हैं, 90,000 मात्र,
और 9,000 मात्र जो है ना 50 लोगों को जोड़ रहे हैं, मात्र 9,000 लोग, राइट। जी और मात्र जो है 900 लोग जो है वो जो है 60 लोगों को जोड़ रहे हैं, और मात्र 90 लोग 70 लोगों को जोड़ रहे हैं, और मात्र 9 लोग जो है 80 लोगों को जोड़ रहे हैं, मात्र 9 लोग। लोग तो हम 100 करोड़ पहुंच जाएंगे। तो कितना आसान है, मतलब 90 करोड़ को एक भी को नहीं जोड़ना है, 99 करोड़ को केवल एक को ही जोड़ना है, अपने पति पत्नी को जोड़ लो तो काम बन जाएगा। तो बहुत आसान नहीं है, फिर आसान है सर, क्या दिक्कत है? या आसान और बदले में क्या मिल रहा है आपको? बदले में आपके गुलामों के नियम कानून से आपको मुक्ति मिल रही है, आपके जो बादशाही व्यवस्था है वो अकाउंटेबल हो जाएगी, बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी, 15 दिन में जो है ना अकाट साक्ष्यों के साथ क्राउड सोर्सिंग से जो है चालान पेश हो जाएगा, और हर व्यक्ति जो भी कंट्रीब्यूट करेगा उसे बड़ी भारी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है सजा मिल जाएगी, वो भी बिना कोर्ट जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से। और जिसमें ये प्रावधान भी होगा कि यदि जज जज महोदय गलत जनरल निर्णय दे देंगे तो उसमें दो तरीके की अपील रहेगी, एक अपील रहेगी अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील रहेगी अगेंस्ट द जज। तो जो अगेंस्ट द जज अपील होगी उसमें लिखा जाएगा कि देखो ये साक्ष्य थे, इस दुष्ट जज ने ये साक्ष्यों को नजरअंदाज किया है, तो वो जज महोदय को खड़ा होना पड़ेगा अपने अपने आदेश को डिफेंड करने के लिए। आप बात समझ रहे हैं ना? तो यदि वो अपने आदेश को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, कितना आनंद आएगा। अभी तो वो लॉर्ड है, लॉर्ड कमिट्स नो मिस्टेक। जो जो है ना आप जो है ना यदि टी शर्ट पहन के पहुंच गए तो जो है ना वो कहेंगे यू हैव कमिटेड, तुमको जेल भेज दूं, तुम चीफ सेक्रेटरी बनने लायक ही नहीं हो। हु गेव देम द पावर टू टॉक इन दिस लैंग्वेज? किस कानून की किस धारा में उनको ये पावर मिला हुआ है, जिन्होंने जो है ना अपने घराने चालू कर दिए हैं, जो दुष्टता से जो है ना इनके जो इंटरव्यू होते हैं इसमें जो मेरिटोरियस लोगों को ये दुष्टता से 0 और 1 मार्क देते हैं, और जो अपने अपने बच्चों को और जो जजेज के बच्चे हैं उनको जो है ना 25 में से 23, 24 और 25 मार्क्स देते हैं। ये निर्लज लोग हैं, तो वहां राजनेता निर्लज हैं, यहाँ पे जज निर्लज हैं, वहां पे ब्यूरोक्रेट निर्लज हैं, तो एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साक्ष उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आपको साई जी हमारी बात कुछ ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है? सर आपकी बात सब ठीक लग रही है मुझे, लेकिन सर स्वाद की, यहाँ स्वाद की बात है। अब मैं कुछ बोलूँ सर थोड़ा सा? हाँ हाँ बिल्कुल जोर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है मानसिकता जो है ना लोगों की, उनको अरे तुरंत मान तुरंत देखिए मानसिकता जो है कई बार क्या होती है, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। आपका इतने समय में गुलामी का जो है ना आपको आदत पड़ गई है, तो एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। आप एक राजा की कहानी, वो 5 जूते वाली कहानी सुनी क्या आपने? नहीं सुनी है? सुनी है? नहीं सुनी है? नहीं सुना सर। तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा था, वो बड़ा दुखी रहता था कि उसकी प्रजा बड़ी भोली है, उसको लगता था कि वो जो भी आदेश देता है वो बड़े आसानी से मान लेती है, जो कि हमारे गलत आदेश को भी बड़े आसानी से मानती है। तो उसने कहा कि हम अब अपनी प्रजा को जगाएंगे, ठीक है ना? तो उसने कहा कि हम एक बहुत उलझुल आदेश देते हैं तो जनता भड़क जाएगी, तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसने एक उलझुल आदेश दिया कि जो भी राजमहल के सामने से गुजरेगा, और उसके उसके राजमहल के सामने ही एक पुलिया थी, तो जो इस पुलिया से गुजरेगा उसे 5 जूते लगाएंगे, राइट। और वो इसने इस उद्देश्य से किया था जिससे पब्लिक जाग जाए, ठीक है ना? एक महीने बाद जो है बगावत हो गई, और उन मंत्री ने राजा को आके बताया कि साहब पब्लिक पब्लिक बहुत भड़क रही है। तो उनने कहा कि तुम पब्लिक को आम सभा गृह में लेके आओ, मैं पब्लिक से सीधे बात करूं, ठीक है ना? और वो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था कि चलो हमारी पब्लिक जाग गई, बहुत खुश हो रहा था। तो उसने सब लोगों को बिठाया और पूछा कि मुझे लगता है आप लोगों के साथ कुछ गलत हुआ है, तभी आप इतने आंदोलित हैं, अभी आपके सभी समस्याओं का निदान कर देगा,
कर दिया जाएगा, आप बताओ आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा हुजूर, जो 5 जूते लगवा रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपने जूते लगाने वाले सिर्फ 2 ही रखे हैं, तो हमें चार चार पांच पांच घंटे जूते लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो हुजूर से निवेदन है जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ाने की बात करते हैं, हम थाने की संख्या बढ़ाने की बात करते हैं, जिससे वो हमको 5 जूते और ज्यादा लगाए। करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज आप नहीं कहते हैं? आप कहते हैं कि हमारा जिला बना दिया जाए तो जिलाधीश और ये और ये सब करे, वो जूते लगाने वाले ही तो हैं ये सब। नहीं, डू यू एग्री विथ मी और नॉट? तो हमें अपने लोगों को जगाना होगा, और जब उनके 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, और इसके बाद वो बिना खर्च किए इन दुष्ट राजनेताओं को हरा पाएंगे? अभी तो उनको प्रॉब्लम है कि उनके पास विकल्प नहीं है ना। अब एक दुष्ट जो है ना मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है, तो अपनी अनपढ़ गमार पत्नी को जो है ना मुख्यमंत्री बनाता है, और जो एक अपने आप को सुशासन में मुख्यमंत्री कहते हैं वो दुष्ट जो है ना नौमी फैल को जो है ना उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। इन लोगों को लज्जा नहीं आती है, जो ज्यादा पैसा देता है चाहे उसने अपराध करके कमाए हों या कैसे भी कमाए हों, उसको टिकट दे देते हैं, अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे देते हैं। जो बाहुबली हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, उनको टिकट दे देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं। तो ये जो है ना किसके टिकट काट रहे हैं? अपने कर्मठ नेताओं के, जिनके कारण नेता बने हुए हैं। ये तो इतने दुष्ट लोग हैं। अब इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित होने का समय आ गया है। मिस्टर अफसर साहब, आप सहमत हैं कि नहीं हैं? सहमत।